नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। राजस्थान के बारा कैलबाड़ा में बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लेने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, जिन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से अंता एनटीपीसी के हेलीपैड पर बरसते पानी में उतरे, जहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं व प्रशासनिक अधिकारियों से जिले के हालात की जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में बाढ़ से खासा नुकसान हुआ है, किसानों की फसल भी नष्ट हुई है, लोगों के मकान गिर गए हैं, नुकसान का सर्वे के आदेश दिए गए हैं, पीड़ितों को उचित सहायता पहुंचाई जाएगी। इस दौरान राजस्थान के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया, विधायक निर्मला शहरिया भी मौजूद रहे। बारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को हाड़ौती संभाग का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान अंता विधानसभा सहित सीसवाली कस्बे हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने एनटीपीसी के गेस्ट हाउस में आम जन से रूबरू होते हुए एनटीपीसी में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता, एसपी कल्याणमर मीणा सहित जिले के सभी अधिकारी रहे मौजूद। कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, बाकी नुकसान तो जो किसानों को हुआ है वो तो हुआ ही है। सर्वे करवा रहे हैं, जो मकान बह गए टूट गए उनकी पूरी इंतजाम करेंगे हम लोग, तो पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और मिला हूँ बात पीड़ितों से, मिला हूँ, जो व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन से हमारे जनप्रतिनिधियों से, तो वो भी उससे खुश हैं। खाने की पैकेज भी मिल रहे हैं, उनकी व्यवस्था भी की रहने के लिए कोटा में देखा, यहाँ देखा, अच्छी व्यवस्था की गई है। और बाकी ERCP योजना जो है वो लागू होगी, तब जाके पानी की समस्या हल होगी। तो ये पानी आता है आपके मध्य प्रदेश से, चाहे काली सिंध का हो और चाहे वो आपका चंबल का हो, ये पानी समुद्र में जाकर बहता है। हम चाहते हैं कि पानी को रोकें और 13 जिले की जो पानी की समस्या है, इरीगेशन है, जिससे उसमें काम आए। तो ये हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादा किया था प्रदेशवासियों से जयपुर में और अजमेर के अंदर, उसको निभाएं और राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, जिससे ये टाइम बाउंड ये योजना पूरी हो सके, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी दबाव हमारा बराबर है, मंत्री ही थे हमारे पानी के मंत्री, उनको भी हमें रिक्वेस्ट की है, आप कम से कम एक योजना तो परियोजना घोषित कराओ प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रीय परियोजना। 16 परियोजनाएँ हैं और राजस्थान की एकमात्र परियोजना का प्रस्ताव ने दिया है, वो उनको लागू करवाना चाहिए, तब जाके। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। देखते रहिए डीबी भारती समाचार नजर। राजस्थान के बारा अटरू विधानसभा क्षेत्र के कवाई अडानी प्लांट के हेलीपैड पर 12 बजे से ही एकत्रित होने लगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनमानस को मायूस होकर लौटना पड़ा। बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बारा जिले में अंता और कवाई अडानी प्लांट के हेलीपैड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनमानस से क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में मुलाकात करते और क्षेत्र का हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा कर अटरू, कवाई, छबड़ा, छिपाबडौद का दौरा कर झालावाड़ पहुँचते, लेकिन न जाने किन्हीं कारणों के चलते अंता क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात एवं हवाई दौरा कर वापस जयपुर लौट गए और अटरू, कवाई, छबड़ा, छिपाबडौद का हवाई कैंसिल कर दिया गया। और तलब है कि इस दौरान हेलीपैड स्थल पर इंद्रदेव की मेहरबानी के चलते 12 बजे से लेकर कार्यक्रम स्थगित की सूचना मिलने तक बारिश की बूंद भी नहीं आई। छबड़ा छिपाबडौद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया, मौसम को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंता से अटरू, कवाई, छबड़ा, छिपाबडौद क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए किसानों की फसलें बेघर हुए गांवों का दौरा करने के लिए जयपुर से सुबह 10 बजे रवाना होकर
हाड़ौती संभाग के दौरे पर रहे, लेकिन मौसम बिगड़ने और देरी के कारण बाकी का हवाई दौरा कैंसिल कर दिया गया है। आगामी दौरा कर शेष रहे क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्र के हालातों का जायजा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत के अडानी प्लांट के हेलीपैड पर उतरकर आमजन से मुलाकात करने वाले स्थल पर पुलिस और इंटेलिजेंट की बड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही, साथ ही पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। अटरू छबड़ा कबाई मौटपुर समेत 12 की पुलिस समेत अन्य कई विभागों के अधिकारियों का भी हेलीपैड स्थल पर लवाजमा लगा रहा। हमारे साथ देख रहे हैं डीडी भारती न्यूज़ चैनल। आज यहाँ पे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का जो प्रोग्राम बना हुआ था वो अंतता से ही कैंसिल हो गया है। इसी को लेकर यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो पब्लिक आई हुई थी, जो आमजन लोग यहाँ पे जो इकट्ठे हुए थे, वो सब निराश होकर के सूचना मिली है कि आगामी जो भी कार्यक्रम रहेगा वो यहाँ की जन सुनवाई जरूर करेंगे। धन्यवाद। गरीब लोगों के मकानों में अनाज जो था वो पानी में गल गया, उन सारी चीज़ों को लेकर कल हमने मुख्यमंत्री मोदी को निवेदन किया था कि आप हाड़ौती के चाहे कोटा जिला हो, बारां जिला हो, झालावाड़ जिला हो, चाहे पर्वत पार्वती नदी हो, पर्वत नदी हो, इलाशी अंडेरी, जो जिन नदियों से गांव में नुकसान हुआ है उन गाँव का दौरा करके वहाँ के लोगों से मिलने का उन्होंने रात को 2 बजे कार्यक्रम फाइनल किया था। अभी हाल ही पता लगाया कि इस प्रकार से पायलट से मेरी बात हुई है कि मौसम खराब की वजह से वो हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं आ पा रहे, और उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं 2-3 दिन बाद वापस 12 और झालावाड़ का प्रोग्राम बनाऊंगा, और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, जिन लोगों का नुकसान हो, चाहे किसानों का हुआ है, मजदूरों का हुआ है, कटिबद्ध है, उनको मदद करने के लिए तैयार है। हम जल्दी सर्वे के आदेश कर देंगे, सर्वे करा कर मुआवजा देने का प्रयास करेंगे। और इतना नुकसान हुआ कि अकस्मात नदी का पानी जिन गाँव में नदी के सारे गाँव थे वो सारे गाँव गिर गए, और गिरने के कारण जो है उन गाँव में उनके खाने पीने का सामान भीग गया, बिस्तर वगैरह भीग गए, मकान गिर गए। तो सारतल, हलमो, कलमोदिया, भावपुरा, बिगड़ी, मालोनी, पपड़ी जो बेल्ट है उधर, बटावदा पार्क, गोड़िया महर, खुरई, फलिया पार्क, अटेक नदी और परवन के किनारे और नदियों के किनारे जो गांव थे उनमें सर्वाधिक नुकसान हुआ, फसलों का पूरा नुकसान हमारा हुआ है। चाहे 12 जिले में माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद के समसाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनाबाद के आसपास खुखार चीता घूम रहा है जिसने एक गौवंश को अपना निवाला बनाया है। भयभीत ग्रामीणों ने पुलिस एवं वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने मृतक गौवंश का पोस्टमार्टम किया एवं ड्रोन कैमरे से क्षेत्र में निगरानी की। ग्रामीणों में काफी भय व्याप्त है। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाएं, संपर्क करें 9918781000। राजस्थान के 12 जिले के छिपाबडौद उपखंड क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा से बाढ़ में बेघर हुए लोगों को छिपाबडौद पंचायत समिति की पूर्ण प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य कविता मीणा एवं जिला महासचिव हरि नारायण मीणा ने सारथल छिपाबडौद तहसील मुख्यालय के टाकुड़ा पटपड़ी गांव में बाढ़ से प्रभावित हुए परिवारों को गुरुवार को राशन सामग्री किट लेकर पहुंची पूर्व प्रधान कविता मीणा फिर से बेबस लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आई। राशन सामग्री किट में आटा, दाल, चावल, शक्कर, चाय, नमक, मिर्च आदि चीजों के पैकेट, बाढ़ से प्रभावित हुए 125 परिवारों के 200 राहत सामग्री किट वितरण कर बाढ़ग्रस्त परिवारों के दुख में शामिल हुई और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मौके पर कांग्रेस जिला महासचिव हरि नारायण मीणा, पंचायत समिति प्रतिनिधि सिद्धार्थ बना, यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सत्यनारायण लभवंशी एवं टीम कविता मीणा ने घर घर जाकर राशन सामग्री किट बांटे, जिन्हें पाकर बाढ़ पीड़ितों ने पूर्व प्रधान कविता मीणा का आभार व्यक्त किया। वहीं इससे पहले कोविड के दौरान तहसील मुख्यालय में सबसे ज्यादा 2500 राशन किट बांटकर लोगों के दिलों में
अमिट छाप छोड़ चुकी हैं। वर्तमान पंचायत सदस्य आज हम दौरे पे निकले हैं यहाँ पे ग्राम बाउपुरा के जो पटपटी गांव है उसमें अतिवृष्टि के कारण इनके घर इनकी फसलें इनका जो खाद्य सामग्री है वो सब कुछ इनकी नष्ट हो चुकी है और मैं सरकार से अपील भी करूंगी कि इस गांव को डूब क्षेत्र में लिया जाए। इसको डूब क्षेत्र में भी नहीं जोड़ा गया है। यहाँ इन लोगों के पास अभी ना तो खाने के लिए कुछ है ना रहने के लिए छाया है कुछ भी नहीं है और मैं सरकार से अपील करूंगी कि इनके लिए खाने की और पहनने ओढ़ने के लिए व्यवस्था की थोड़ी जल्दी करी जाए और यहाँ पे वापस व्यापक सर्वे करा के अच्छे से प्रशासन से अपील करती हूँ कि अच्छे से इनका सर्वे किया जाए और इनको उचित मुआवजा दिया जाए। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बलरामपुर नगर तुलसीपुर बाजार में छठी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह पर मूर्तियां सजाई गईं। बेहतरीन लाइटों से सुसज्जित पुरानी बाजार वार्ड 6 श्री 108 श्री कृष्ण जन्माष्टमी में सुंदर स्टेज प्रोग्राम बाहर से आए हुए कलाकार द्वारा किया गया। सभी भक्तों ने भंडारे का कार्यक्रम रखा जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद पाया। शाम को आरती में तमाम महिलाएं पुरुषों ने भाग लिया। वहीं विधायक श्री कैलाश नाथ शुक्ला शैलेश कुमार सिंह सेलू भैया बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह विसुनदेव गुप्ता रामजी आर्य श्याम अग्रहरी बनारसी मोदनवाल जय सिंह विनय सेठी राधे श्याम प्रदीप गुप्ता सहित तमाम नगर के प्रतिष्ठित लोगों ने प्रसाद पाया। साथ ही शांति पीठ देवी पाठन में सुंदर कार्यक्रम के साथ आज जन्माष्टमी के अंतिम दिन जगह जगह पर भव्य कार्यक्रम का आनंद लोगों ने लिया। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग ब्लड प्रेशर शुगर नींद न आना श्वास फूलना पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार नजर हर खबर पर। राजस्थान के कोटा में हाड़ौती में आई बाढ़ के हालात जानने के लिए सीएम अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और चिकित्सा मंत्री परशादी लाल मीणा ने उनका स्वागत किया। कोटा संभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने हाड़ौती के जिला का हवाई सर्वेक्षण किया। कई जगह बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लोगों की जनसुनवाई की। बाढ़ प्रभावित हाड़ौती के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से कोटा एयरपोर्ट पहुंचे। कोटा एयरपोर्ट पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल चिकित्सा मंत्री परशादी लाल मीणा व हाड़ौती विकास मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र सांखला सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जिला कलेक्टर आईजी एसपी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने हाड़ौती संभाग के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके अलावा अंता के एनटीपीसी कोटा के नयापुरा क्षेत्र और अन्य जगहों पर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोगों का हालचाल जाना। कोटा संभाग के हालातों के लिए अधिकारियों से फीडबैक लिया।
आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में शुक्रवार परेड की सलामी ली गई तथा परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात पुलिस अधीक्षक ने शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड को दौड़ लगवाई। परेड में एक रूपता व अनुशासन बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाई। ड्रिल देखकर उसे और बेहतर तरीके से कराने के लिए प्रतिशार निरीक्षक लाइन को निर्देशित किया व अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन निरीक्षण के दौरान क्वार्टर गार्ड, जीडी कार्यालय, कैस कार्यालय, शस्त्रागार, परिवहन शाखा, सीसीटीएनएस कार्यालय, डीसीआर शाखा, मालखाना, भोजनालय, स्टोर आदि का निरीक्षण किया गया। यूपी 112 के दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों का निरीक्षण किया गया। आरक्षी बैरक तथा पुलिस लाइन आवास के आसपास साफ सफाई एवं स्वच्छता हेतु विशेष ध्यान देने हेतु संबंधित को दिशा निर्देश दिया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर। मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल,
पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।